हाँ तो मेरे भाइयों की हालचाल, आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का रैंक कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फाइनली गाइस कल या फिर परसों से मैं अपने न्यू डिवाइस का गेम प्ले डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज का जो गेम प्ले गाइस, जो दो गेम प्ले आज के लाइक ये वाले वीडियो में हमने दो चिकन डिनर लिए हैं। तो ये हमारा लास्ट मैचेस है हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया। लाइक 2 साल से मैं उसी पे खेला था। लाइक मैं इस पे कॉम्पिटेटिव खेला, स्क्वाड का भी रैंक पुश किया है, सोलो भी किया है मैंने 2 सीजन, लाइक #3 और #2। और ये सीजन जैसा आप सबको पता है कि मैंने #1 होल्ड किया था। तो इस एंड्रॉयड ने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे। और रही दूसरी बात, तो अब थोड़ा सा गाइस इशू करने लगा है, बिकॉज लैग वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह में इशू होता है, तो जिसकी वजह से मुझे न्यू डिवाइस लेना पड़ा। बट कोई ना, अच्छा था डिवाइस, बट हमने उसे इतना ज़्यादा खेल के रगड़ दिया है कि लाइक अब डिवाइस में अब ना हो पाएगा हमसे। तो कोई ना, अब इसे हम नॉर्मल यूज़ करेंगे अपने कॉलिंग वगैरह के लिए। तो अब कल या फिर परसों के मॉर्निंग से ही मैं डालना शुरू करूँगा अपने न्यू गेम प्ले गाइस अपने न्यू डिवाइस पे। तो आप लोग को मज़ा आएगा, नो लैग, क्लैरिटी भी अच्छा आ जाएगा उसमें कंपेयर टू एंड्रॉयड के। तो बस इतना गाइस। अब बात करते थोड़ा सा गेम प्ले गाइस। अब यहाँ पर हम आ चुके थे गाइस कोचिंग की में, बिकॉज यहाँ पर जोन था। इतने में सामने डुओ के ऊपर से एक बंदे ने नॉक किया हमारे डेडशॉट भाई को। तो फिलहाल के लिए उसके पहले बंदे को मैंने नॉक दिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट डेडशॉट को रिवाइव देता हूँ और रिवाइव देने का ट्राई करता हूँ कि भाई इन बंदों पर नेट ट्राई कीजिए। गलती से भी नेट पहुँचता है तो वो नॉक हो सकते ट्री के पीछे। बट इतने में उस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया। फुल हीलर बंदा था वो ऊपर बिठा कर रहा था, और इसका जो नॉक बंदे ने जिसने अभी तक हील नहीं किया था, तो वो मेरी एक गोली में नॉक हुआ। तो उसको मैंने ऑन द स्पॉट फिनिश भी कर दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि लाइक उसको एक बार मैंने नॉक दिया, सेकंड टाइम भी नॉक दूँ और वो रिवाइव होते जाए। तो फिलहाल के लिए फिर वो एंड में हमें इशू करेगा। तो इससे अच्छा कि मैंने उसे नॉक देने का तो फटाफट फिनिश ही कर दिया। अब जो जोन था वो हम पे था नहीं गई, तो मैं फटाक से यहाँ पर आता हूँ। और ये वाला अपार्टमेंट में फिलहाल के लिए कोई था नहीं, ये वाले डबल स्टोरी में। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं जोन के एजेस पे जरा ध्यान देता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि लाइक कोचिंग से कोई ना कोई तो आएगा। कितने में यहाँ मुझे बंदे दिख जाते हैं स्मोक के अंदर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनमें प्री फायर मारता हूँ स्मोक के अंदर, ताकि एक आधा नॉक निकल सके, हमें डैमेज दे सकूँ इन्हें। बट यहाँ पर मुझे उनको कुछ ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाता हूँ। अब मैं वेट करता हूँ कि लाइक इन बंदों को आना है ओपन में, तो ऑब्वियसली इनको हम ईजिली मार देंगे। अब जैसे बंदे ओपन में आ जाएंगे स्प्रे लेता हूँ मैं, स्प्रे। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे गाइस हमारे टीपी के एक ही बस में जाने वाले। लाइक ये वाले बस पे गाइस उन दोनों का किल मुझे एकदम इजीली मिल गया। तो फिलहाल के लिए उन बंदों के लिए ख़राब लगा। अब यहाँ पर गाइस मैं जो हमारे जब सामने सिंगल स्टोरी वो जोन में थी, तो मैं गाड़ी का टायर फोड़ा जाए ताकि रोटेशन ना दे सके। कितने में एक बग्घी आती है और उसके एक बंदे का तो मैं एकदम ईजिली गिरा देता हूँ, और जो सेकेंड बंदा था गाइस मानोगे नहीं, वो बग्घी से कूद के मर गया। क्या बोला जाए, कोई ना, एक किल तो हमें एकदम ईजिली मिल गया। अब यहाँ पर जैसे मेरे को जोन हमसे थोड़ा सा आगे, तो मैं थोड़ा सा आगे जाने का ट्राई करता हूँ कि इतने मुझे पत्थर पे एक बंदा दिखता, तो उस पर मैं थोड़ा अच्छा खासा स्प्रे लेता हूँ। इससे डैमेज भी देता हूँ मैं डीपी के बस पे। बस ये बंदा मरता नहीं है। तो फिलहाल के मैं थोड़ा सा जोन के अंदर और जाने का ट्राई करता हूँ। लाइक थोड़ा सा एंगल बनाता हूँ कि गलती से मुझे बंदा स्पॉट हो जाए तो इसे ईजिली मार दूंगा। कि इतने में वो जो राइट वाला ऊपर वाला बंदा था, आई थिंक उसे किसी ने मार दिया। तो यहाँ पर कंपाउंड पे एक लास्ट बंदा बचा था। तो इसके साथ हमारी 2v1 की फाइट थे। अब हमारे डॉक्टर भैया बोलती है कि लाइक हमारी किल्स थोड़ी कम है डैगर भाई, तो इसे हमें मारने दो। तो हम बोलते हैं कि चलो भाई तुम मार लो इसे एकदम ईजिली। अब उस बंदे के बाद भी कहीं जोन नहीं था, तो उसे हमारे पास आना था। तो मैं डॉक्टर बोलता हूँ भाई तुम राइट में फ्लैंक कर दो, ताकि वो बंदा एक पत्थर पर नेट भी गलती से ट्राई ना करे। स्मोक के अंदर से तो हम दोनों कट सकता है और चिकन हाथ से जा सकता है। तो मैं डेड शॉट को फिलहाल के लिए यहाँ पर राइट में भेज देता हूँ, और वो बंदा आता है इस ओपन में। तो आप देखना कि डेड शॉट इसे एकदम इजीली कैसे मारेगा। चलो हो गया। अरे 6 किल बहुत है भाई। आ रहा तो आने दो, मार देगा इसको। अब इस बंदे ने गाइस अच्छा खासा स्मोक कर लिया था मेरे सामने। लाइक ये स्मोक के अंदर से भी अच्छा खासा इसने क्लोजिंग भी कर लिया था। बट मुझे लेफ्ट साइड से पूरा ओपन में दिख रहा था। बट यहाँ पर डेड शॉट की किल के चक्कर में मैंने इसे मारा नहीं, बिकॉज देख सकते हो आप ये मेरे सामने से एकदम ओपन से आ रहा था। तो मैं डेड शॉट का मेरे मांग देता हूँ भाई यहाँ से वो बंदा आ रहा है। तो उस बंदे ने मेरे पर अच्छा खासा स्प्रे भी लिया था, बट उसे नहीं पता चला कि राइट से डेड शॉट भैया उन्हें मारने के लिए ऑब्वियसली बैठे हैं। तो यहाँ पर डेड शॉट एकदम ईजिली मार देता है और हमें चिकन भी एकदम ईजिली मिल जाता है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा सेकंड गेम प्ले की। अब ये वाला गेम प्ले थोड़ा सा छोटा ना, बिकॉज डायरेक्ट इसमें मैं एंड दिखाने वाला हूँ। अब जो जोन था गाइस वो हम पे थोड़ा था थोड़ा सा पास में था लाइक हमारे, तो मैं यहाँ पर जो पत्थर होता है इस पर आ जाता हूँ और डेडशॉट ने लेफ्ट साइड में एक बंदे को नॉक दिया था। अब यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है ओपन में, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि चलो ऑम एम से इसे नॉक किया जाए, तो नॉक निकल सके तो निकाल सको। कितने मुझे कंपाउंड पे एक बंदा स्पॉट होता है, उस पर मैं नॉक सॉरी ऑम का एक शॉट लेता हूँ बट वो मिस हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ चलो, बट इस बंदे को इतने में एक बंदे ने नॉक किया, तो इससे मुझे नहीं पता लाइक मैंने इससे ऑम का इतना अच्छा खासा हेड ही दिया था आई थिंक, बट ये मरा कैसे नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि भाई इसका एक बंदा नॉक है तो चलो इनका किल निकाला जाए, बिकॉज थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बिकॉज हमारे एक ही किल थे और फिर नूब लॉबी में गाइस आप सबको पता है प्लस बहुत कम मिलेगा अगर आपने किल नहीं निकाला तो यहाँ पर मैं एक नेट डाल देता हूँ, बट उस नेट से ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है बिकॉज वो बंदे थोड़े कंपाउंड के पीछे जा चुके थे और उन्होंने रिवाइव भी कर लिया था। तो यहाँ पर मुझे बंदे का साउंड आ जाता है लाइक कंपाउंड के यहाँ पर, बट उसमें एक बंदा अंदर आता है तो मैं इस पर एक नेट ट्राई करता हूँ और लेकिन लकीली ये मेरा एकदम सही था और इस बंदे का मुझे नॉक मिल जाता है। अब ये बंदा मैं जो सेकंड नेट है वो इस बंदे पे डालने का ट्राई करता हूँ, बट ये बंदा आई थिंक थोड़ा सा आगे जा चुका था कि इतने में ये बंदा गाड़ी के पास आता है और मुझ पे स्प्रे लेता है, बट इसे मैं एकदम इजिली मार देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे 2v2 फाइट थी गाइस और जो दोनों बंदे थे वो जोन में हमारे सामने ऊपर थे, तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की था बिकॉज हमें जोन में जाना था और उन दोनों के बंदों के बाद अच्छा खासा रिस्क का एडवांटेज भी था। तो मैं डेड शॉट कॉल देता हूँ भाई, अगर नॉक निकाल सके तो निकालो, फटाफट निकालना, मैं तब तक स्मोक करता हूँ और डेड शॉट भी चढ़ा मैं स्मोक कर ही जाता। तो यहाँ पर मैं एक स्मोक का पाथ बनाता ताकि जोन में एंटर करते समय मुझे ज्यादा कुछ इशू ना हो लाइक वो बंदे मुझे डैमेज या फिर नॉक ना कर सके ज्यादा। अब जो जोन था वो हमसे भले ही 30 मीटर दूर था, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क था बिकॉज उन बंदों पर था हायर रिस्क। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा छोटा सा रिस्क दिखता, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कवर में आ जाता हूँ। अब ये दोनों बंदे गए सामने वाले रिच पे थे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई बंदा एक बंदा भी नॉक करे उसमें मैं इजिली नॉक दे दूँ कि इतने मुझे लेफ्ट में एक बंदा सोया हुआ दिख जाता है। बट मैं जैसे ही इस पे ऑन का शॉट लेता हूँ तो हमारा रिच का ग्लिच, तो ये बंदा नॉक होता नहीं कि इतने में उस राइट वाले बंदे ने मुझे पता नहीं क्या मारा, बट इस बंदे ने मुझे लेटरली 15 HP खो दिया। तो मैं फटाफट यहाँ पर हील कर लेता हूँ और जो डॉक्टर भैया है वो करते हैं ओपन में पुश, तो मैं बोलता हूँ भाई आराम से करना, मैं तब तक हिल मार लेता हूँ कि इतने में डेडशॉट ने एक नॉक दिया और सामने वाले ने भी डेडशॉट को नॉक दे दिया था। तो मैं वेट करता हूँ कि ये पिक करे और इस पे लेता हूँ एक ऑम का प्यारा सा हेडशॉट और इस मैच में गाइस हमें मिल जाता है इजीली चिकन डिनर। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना गाइस, हमारा ये लास्ट एंड्रॉइड का गेम प्ले गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। उसे प्रथा था वो तो हमारे अपने था उसके